जी हाँ, ये है मैसूर में मैसूर पैलेस। भारत की शान एक अद्भुत भव्यता लिए हुए मैसूर पैलेस। दशहरे में यहाँ इतनी चहल पहल होती है, एक बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है 10 दिन का, जो विश्व प्रसिद्ध है। इसके बारे में हम पूरी जानकारी देंगे। आइए चलिए, आपको लेकर चलते हैं मैसूर पैलेस के अंदर। मैसूर पैलेस के बाहर ये भी एक मंदिर है। वारा स्वामी टेम्पल, पर शायद मंदिर अभी बंद हो चुका है। ये देखिए, मैसूर पैलेस के बिल्कुल सामने है। यहाँ से आप अभी हम आपको लेके चलेंगे मैसूर पैलेस। ये वो प्रांगण है जो आप सामने देख रहे हैं, जहां दशहरा उत्सव मनाया जाता है। पैलेस के मुख्य भाग की ओर जा रहे हैं। एक बार आपको फ्रंट से पैलेस दिखा देते हैं। मौसम बहुत अच्छा है आज, धूप नहीं है, चारों तरफ बादल ही बादल हैं। ये सामने जो आप देख रहे हैं, ये मुख्य द्वार है। पर्यटकों के लिए जहां से हम अंदर आए हैं, वो द्वार खुला है। ये देखिए कितना सुंदर शेर की आकृति जो आपको अंदर भी दिखाई थी। अब ये मैसूर पैलेस का फ्रंट है, आप इसको पूरे को देख सकते हैं। इधर भी एक द्वार है और ये मुख्य द्वार है, जहां से उस जमाने में जब यहाँ राजशाही थी, वो उनका प्रवेश द्वार वाडियार राजा बहुत वर्षों तक मैसूर में राज किया। और अब एक बार देख लीजिए, ये फ्रंट है। इसके बाद हम आपको यहाँ से अंदर लेके चलेंगे। तो आइए आज आपको मैसूर पैलेस के अंदर चलते हैं। अंदर का भी नहीं है तो क्या अच्छे मजा है, कर अच्छे करेंगे। अंदर जाएगा अभी? हाँ हाँ, अंदर ही तो जाएगा। फर्स्ट एसी ओके, लकड़ी का बंद करके पूजा के लिए इस्तेमाल करते हैं। राइट, ओके। महल का इलाका पूरा 7 एकड़ जमीन है, 5-6 एकड़ में महल बना हुआ है। चारों तरफ 14 मंदिर है, 6 बड़ा गेट है। हर संडे के दिन लाइटिंग होता है। ओके, जब लाइटिंग होता अंदर नहीं, बाहर से घूमना पड़ता, बहुत बढ़िया लगता देखने के लिए। जी, यहाँ पर दोनों तरफ दो हाथी का सर रखा हुआ है। हाँ, ये चमड़ा असली है, दांत नकली।
इसको शिकार किया था आखिरी महाराजा 1955 में बंडीपुर जंगल के अंदर स्टफिंग करके रखा है, क्योंकि ये तो मुख्य द्वार है, पूरा पीतल से बना हुआ गेट है, हाथी का गेट बोलते हैं इसको। ओके, हाथी गेट, हाथी का गेट, एलिफेंट गेट इधर आएगा जी जी, इधर खड़े। हाँ, दीवार पे लगा इटाली देश का सेरामिक टाइल्स, नीचे लगा सब इंग्लैंड का। हमारे मैसूर शहर का देशरे का त्यौहार बड़ा मशहूर है, हर विजयदशमी के दिन ऐसे जुलूस निकलता है। एक ही जुलूस का चारों तरफ 26 पेंटिंग है पूरा। ओके, पेंटिंग पूरा आई पेंटिंग से कपड़े पे बना के दीवार के ऊपर फिक्स किया, मतलब ये सब इल्यूजन पेंटिंग्स है। जैसे हम चलते रहते उनके चेहरा उनके शूज देखते हुए आपके तरफ मुड़ता रहेगा। क्या बात है। और ये सब महाराजा का सेना, डिफरेंट रेजिमेंट, डिफरेंट कैवलरीज। 1930 में ये मैसूर शहर का मेन रास्ता आज भी है, नॉर्थ गेट के सामने अशोका रोड बोलते, बस स्टैंड के पीछे। लेकिन आजकल ऐसा पुराना मकान नहीं है, इन मकानों को बोर्ड के नया मकान बना हुआ है, पहचानने में मुश्किल होता है। और ये 26 पेंटिंग 6 कलाकार लोग 11 साल में बनाया, उसका पेंटिंग का कॉपी जो है इल्यूजन कम असली चेहरा बना हुआ है। इतने हजारों लोग काम करते थे महाराज के रेजिम में, और आज भी इनके फैमिली अब मौजूद है। जब वो लोग मेल देखने आएंगे पता लगा के बोलते बताते चाचा जी, मामा जी, दादा जी, नाना जी, ऐसे। ओके, भारत देश में बहुत सारे महल है लेकिन ऐसा महल किधर भी नहीं है ऐसे पेंटिंग के साथ। ये सब दोबारा आएंगे जी जी, आ गया सर। आपको कितने साल हो गए यहाँ? हो गया मेरा 30-35 साल हो गया सर। अरे वाह। इस कमरे के अंदर कुछ राजा रानियों का पेंटिंग और फोटोग्राफ देखने को मिलेगा, इनमें से कोई भी जिंदा नहीं, सब मर गया है। जो जिंदा रहते हैं उनकी तस्वीर यहाँ पर नहीं है। ओके, ये महल बनाने से पहले इसी जगह पर राजा लोग खूबसूरत लकड़ी का महल बनाए थे, वो असली महल था 1700 में, पूरा सागवान का लकड़ी का। ओके, लेकिन वो महल जल गया 1897 में। जब वो जल गया महल, तुरंत इस महल को बनवाया यही महाराज कृष्ण राज मौर्या 1897 से 1912 यानी 1912 तक 15 साल लगा इसको बनाने के लिए, टोटली री डिजाइन बना के। और ये पूरा लोकल पत्थर से बना हुआ है, ग्रानाइट पत्थर का बिल्डिंग है। और उन दिनों पे अंग्रेजी आर्किटेक्चर, उसका नाम हेनरी हार्वे, उसके साथ में काम किया लोकल आर्किटेक्चर, लोकल क्राफ्ट में। और वो जो बेटा है ना इसका सिंहासन है 280 किलो सोने में बनाया, माय गॉड, ये आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये 11 महीना लाकर में होता है, एक महीना देशरे में बाहर रखा जाएगा, देशरे के बाद में लाकर में बंद किया जाता है, आजकल देखने को नहीं मिलेगा। चलिए, जिसने ये महल बनाया, हाँ, उनके माता जी, पिता जी, छोटा बहन जीजा जी। ओके, ये उनके माता जी, ये पिताजी। आपने वो औरत को देखा होगा, ये वही हाँ। औरत है। अरे वाह, बुड्ढी होने के बाद 3 बेटियां दो पोतियों के साथ। जिस महाराजा ने महल बनाया जब वो 1 साल का बच्चा था, बगी में बैठा हुआ छोटा बहन बड़ा बहन, ये दो बच्चे समय का पेंटिंग बनाए, मशहूर कलाकार राजा रवि वर्मा। हाँ, जान मालूम उनके बारे में। ये अंग्रेजी लोग इंग्लैंड के महाराजा किंग एडवर्ड समेत बीवी का नाम अलेक्जेंड्रा, महाराज के अच्छे दोस्त लोग थे, उनके हाथ में उनका पेंटिंग यहाँ पर रखा हुआ। ये सब चंदन का लकड़ी आदि के दाम से बनाए, एक तरफ पूरा छाल भी नहीं बनाया, मतलब ये सब इनविटेशन बॉक्स, गिफ्ट्स, मेमेंटोस बोलते हैं, दूसरे राज्य के राजघराने वाले इनको दिया है। ये सब मोमेंटोस हैं। महाराज के जमाने पे महाराज निकलते ऐसे हाथी के ऊपर सोने के पालकी में बैठ के जुलूस में, अभी भी ऐसा होता है, अभी भी ऐसा ही होता है दशहरा में। महाराज नहीं बैठता, चामुंडा देवी का मूर्ति रख के शहर में इस्तेमाल कर। अच्छा अच्छा, ये उसी तरह से महाराज का कासर, जब हाथी मर गया, हाँ, जब वो हाथी मर गया जी, उसका उम्र 85 ईयर्स, उसका दांत को काट के अंदर रख के अंदर आपको बताता हूं। अरे वाह जी जी, इसको कल्याण मंडपम बोलते हैं, शादियाँ, फेस्टिवल, सेरेमनीज, बर्थडे पार्टीज के लिए। जब यहाँ पर फंक्शन चलता था तो मेहमान लोग पूरे हर तरफ गैलरी में बैठा करते थे, ऊपर गैलरी में। हाँ जी,
झूमर जो है चेक रिपब्लिक, पीछे टेल्स इंग्लैंड, ये सब वही तिकम्बा कास्ट आयरन है, ये सब यूनाइटेड किंगडम से जहाज में शिफ्ट करके यहाँ पर असेंबल करके पेंट किया हुआ, ऐसा ओरिजिनल पेंटिंग्स है। अभी भी राज घराने वाले इसको इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, जब बनाएंगे इसी महल में, ये लिविंग पैलेस है, लिविंग स्टिल लिविंग पैलेस। अभी जो महाराज जो रहता है उसका नाम है यदुवीर वड़ैयर, यदुवीर। इसका शादी इधर ही हुआ 6 साल पहले। ओके, शादी किया डूंगरपुर राजस्थान राजपूत राजकुमारी से। ओके, गर्भवती हो गए, बहुत बड़ा इधर ही हुआ, 4 साल हुआ उनको, बेटा भी पैदा हुआ। और यहाँ पर जितने भी दरवाजा बंद किया इसके पीछे वो लोग रहते हैं फर्स्ट फ्लोर में, एट प्रेजेंट दे आर इनसाइड। ओके, इफ दे नीड दे कैन यूज इट, लेकिन उनके लिए अलग रास्ता बाहर जाने अंदर आने। Really very big, proud. आगे जाएंगे सामने जी, वहाँ पर एक एलिवेटर है, उन दिनों का, लेकिन चलता नहीं करा दो। ओके, एलिवेटर के बाद वे जाएंगे महाराजा के ड्रेसिंग रूम के। बहार, वेरी गुड। ओके सर, वन सेकेंड बस। ये सब ड्रेसिंग टेबल्स इटाली देश कट ग्लास से बना है। Okay. काश का कुर्सी है वो भी इटाली देश का। Yes. जो चांदी के कुर्सी उन दिनों में बड़े बड़े गण व्यक्तियों को इस्तेमाल किया जाता था, बीच में हाथी के दांत, वो जो पेंटिंग में आपने देखा वही हाथी के दांत, दांत के ऊपर जो पंजी है इनका लोगो, हाँ हाँ, उनका मोहर, हाँ हाँ, लोगो हो गया राजमहल का। विष्णु भगवान का अवतार है नरसिम्हा स्वामी जी। ओके, हाँ। छत है खूबसूरत सागवान का लकड़ी, परमा देश का, हाँ। सरस्वती देवी का मूर्ति, जंगली भैंस का सिंह, सब भगवान गणेश का। Very good. वो अलग है, तो जो पंछी है ना दोसर वाला, वो विष्णु भगवान का अवतार है, इसके लिए उसको ज्यादा लोगों ने उनका यमलन जी। अभी भी राज कराने वाले उनके हाथी घोड़ा गाड़ी जो कुछ पैसा लाके, जैसे उनके बाप दादाओं के जमाने से क्या रीति रिवाज है, सरमर सोता थे या कर लेते, वो शेर का शोपी से लगता है, पत्थर माफिक पत्थर नहीं है, पीतल से बना हुआ है। अजी अंदर दो है, बाहर मैदान में 6 शोपीस है, उसके पीछे कोई कहानी या कुछ नहीं, खाली सजावट। और हर साल नवमी का दिन टेम्पररी अखाड़ा बनाया जाता है इधर मिट्टी बालू से। अच्छा, और दशमी का दिन सुबह में लोग कुश्ती भी लड़ते हैं यहाँ पर। अरे वाह। लेकिन पिछले 2 साल से कुश्ती नहीं हुआ, राजमाता ने कैंसिल कर दिया था कोविड की वजह से, लेकिन ये साल तो होता है। बहुत सुंदर जी। और मैं कश्मीर से। कश्मीर, आप कश्मीर। बालघाट का भी एक स्वामी जी आ रहे हैं, सुनील दास। अरे भाई साहब, इसका 360 व्यू वेबसाइट में मिलता है, मैं सिर्फ आज। आगे सर, बस चलिए जी। अंदर दीवार पे है वो सब असली हाथी दांत फिक्स किया हुआ है, ये सब भगवान की मूर्तियाँ अभी भी इस्तेमाल किया जाता है त्यौहार के दिनों में। कौन से त्यौहार का कौन सा मूर्ति चाहिए, बाप का इस्तेमाल करके बाप से भगवान को सिंगा से मिलने के लिए नहीं मिलेगा जी, कैसा नहीं मान देने के लिए मिलेगा इधर है, ये तो सिर्फ 80 किलो सोने में है। Thank you.
थे, आजकल देवी का मूर्ति रख के शहर में इस्तेमाल करते हैं। ओके। पिछले 2 साल से शहर के अंदर नहीं गया, कोविड की वजह से अंदर ही अंदर इस्तेमाल किया। कोविड ने बहुत कुछ बदल दिया, लोगों का जीवन बदल दिया। और उन दिनों पे यहाँ पर लाल रंग का कारपेट भी बिछा देते थे इधर। अच्छा, कारपेट फिक्स। शेष आने बेल्जियम देश का, स्पेन से फ्रांस देश का। ये के ऊपर बैठे माफे, वो उनके का सेवक, उसका नाम पीर बेग, मुस्लिम आदमी, लकड़ी का शीट से बनाए। अभी जाएंगे अंदर, बहुत बढ़िया जगह, इसको कहते हैं दीवाने आम, आम सभांगण, पब्लिक दरबार, दीवाने आम। ब्यूटीफुल, सबसे खूबसूरत जगह जी है। जी भाई, अरे वो फोटो खींच दो एक हमारा, इनके साथ, गाइड के साथ। नहीं नहीं नहीं, अरे नहीं, ये तो केरल से है। आप अपने मोबाइल से फोटो खींचो मेरा इनके साथ। दीवाने आम बोलते हैं, आम सभांगण जी। महाराजा उन दिनों पे सिंहासन पे बैठ के जनता को दर्शन देते थे, देशरवारी समय में, शाम के समय, नौ दिन जी, उसको देशरा दरबार बोलते हैं। जब महाराज यहाँ पर बैठा करते थे, सामने पब्लिक जमा होता, महल का लाइटिंग होता, राजघराने वाले सब ऊपर बैठते ऐसे गैलरी में, दोनों तरफ ग्रीन कलर गैलरी से इन्वाइट बैठने के लिए, इधर मंत्री लोग, उधर दरबारी लोग, बीच मैदान में कल्चरल प्रोग्राम, लास्ट डे प्रोसेशन, इसी जगह पे सिंहासन को रखते थे, उसके हाथ पेश होते थे। और आजकल यहाँ कुछ नहीं होता, सब कुछ होता बाहर स्टेज बना के। ये छत का झूमर पूरा बेल्जियम देश का, छत का पेंटिंग पूरा नीचे लकड़ी का शीट पे बना के एक एक पीस ऊपर फिक्स किया, इधर सब भगवान की पेंटिंग बना हुआ। आजकल यहाँ कुछ नहीं होता, सब कुछ होता बाहर। अभी नेक्स्ट आपको लेके जाऊंगा खास दरबार पे, दीवाने खास, दीवाने खास, वही लास्ट जगह, वह देखने के बाद वापस आना है। आपने सुना प्रवासी घर के सुस्वागत प्रवासी घर का मन के जीवन हाकू सरल के एचरिकेर सूची तम अमूल्य वस्तु तावे हणेगारू ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆ ಮಂಡಳಿಯು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಗಮನಿಸಿ, ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ತಾವೇ ಹೊಣೆಗಾರರಾಗಿದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆ ಮಂಡಳಿಯು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜಾದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ 7-8 ಅರಮನೆಯ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಾಲಂಕಾರದ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಯಾವುದೇ ಪ್ರವೇಶ ಅನುಸರಿಸದೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಡೋರ್ beautiful, you know that Thank you.
दशहरे में यहाँ महाराज का सिंहासन रखा जाएगा और उस पर महाराज बैठेंगे भी, दर्शन देंगे। एक महीने के लिए वो सिंहासन जो सोने का है केवल यहाँ रखा जाता है सभी लोगों के लिए। कितना खूबसूरत, मन ही नहीं करता यहाँ से बाहर जाने के लिए, मन करता है कि इसको देखते रहें देखते रहें। सच में अद्भुत। और सबसे महत्वपूर्ण बात है इसको कितने अच्छे ढंग से मेंटेन किया हुआ है ये, क्योंकि अभी भी जो अब के राजा हैं उनका परिवार यहीं रहता है। दिन में दर्शकों के लिए जब उनके विशेष पर्व होते हैं, जैसा भी गाइड ने बताया कि उनका विवाह भी यहीं हुआ था। ये वो स्थान है जहां अब के महाराज जी का विवाह हुआ था। दीवाने आम जैसा उन्होंने बताया, ये भी स्टेट ऑफ आर्ट है, कितने अद्भुत ढंग से इसको बनाया गया है। हमारे साथ केरल से हरि कृष्ण जी आए हुए हैं, मैं इनसे एक मिनट बात करूंगा पैलेस के बारे में। हरि कृष्ण जी बताइए, आपको पैलेस कैसा लगा? पैलेस बहुत अच्छा रहा, इस पे निवास है, राजा महाराजाओं का निवास अब भी है, मंदिर है, गणपति मंदिर है, जो एम्बलम है वो नरसिंह भगवान का मूर्ति एम्बलम बनाया गया है। यहाँ तो सब लोग जानता है हम काफ़ी रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, ऐसे वैसे हम यहाँ पहुँच नहीं सकते, भगवान की कृपा से हम यहाँ पहुँचने का जो हमारे जो इरादा पूरा हो गया, इसलिए धन्यवाद प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। वेरी नाइस। देखिए मिरर कितना पुराना है, इसमें आप मुझे भी देख सकते हैं इस मिरर में। और मुझे लगता है कि मुझे इसके बारे में बोलने की आवश्यकता नहीं है, जो भी आप स्वयं देख रहे हैं आप सच में कितना अच्छा अनुभव कर रहे होंगे। जैसा ये दरबारे आम है, ऊपर जो छत पे पेंटिंग बनाई हुई है, ये लकड़ी पे पेंटिंग बना के उसके बाद इसको ऊपर चिपकाया गया है। यहाँ दरबार लगता है और यही वो स्थान है जहाँ दशहरा उत्सव मनाया जाता है प्रतिवर्ष। इस वर्ष भी दशहरा उत्सव बाहर स्टेज लगा के मनाया जाएगा, पहले यहाँ मनाया जाता था। ये दरबारे आम, पूरी जनता यहाँ एकत्र होती थी मैसूर की, और मैसूर के राजा उनके साथ वार्तालाप करते थे, न्याय करते थे। अभी उत्सव, विश्व का सबसे बड़ा उत्सव होता है जो इसी स्थान पर मनाया जाता है, और इस बार हम ट्राइबल फेयर भी करने जा रहे हैं मैसूर उत्सव में। 9 दिन के लिए हम 75 ट्राइबल्स टीम को बुलाकर 9 दिन में यहाँ परफॉर्म करवाएंगे। मैं निर्मल रतनलाल वैद इसी प्रकार से आपको भारत के प्रसिद्ध स्थान के बारे में जानकारी देता रहूँगा। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर अवश्य करें। आप अवश्य लिखें आपको ये कैसा लगा। मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।